बिग बॉस के घर में आए मेजर ट्विस्ट। इस बार बदला है बिग बॉस का अंदाज। 2 हफ्ते है कंटेस्टेंट्स के लिए काफी अहम। बिग बॉस 13 जितना सुपर हिट रहा है, वहीं इस बार भी मेकर्स कर रहे हैं पूरी कोशिश कि बना सके वो इस सीजन को पिछले सीजन की तरह सुपर डुपर हिट। इसलिए शुरुआती 2 हफ्तों को बना दिया है उन्होंने काफी अहम, जहां तूफानी सीनियर्स के हाथों दी गई है सुपर पावर्स। बिग बॉस के घर आए 11 कंटेस्टेंट्स अभी भी नहीं है पूरी तरह से कंफर्म। इन सभी को रखा गया है TBC यानी कि टू बी कंटिन्यूड जोन में, जहां इन कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर रहने के लिए करना होगा इन सीनियर्स के सामने सभी को साबित। जो कंटेस्टेंट्स करेंगे हीना, गौहर और सिद्धार्थ को इम्प्रेस, तभी मिलेंगे उन्हें कन्फर्म टिकट। वो कंटेस्टेंट्स बनेंगे घर के परमानेंट मेंबर्स। ये 2 हफ्ते कंटेस्टेंट्स के लिए है काफी इम्पोर्टेंट। इन्हीं 2 हफ्तों में होगा उनकी किस्मत का फैसला। जो भी सदस्य होगा अनकन्फर्म, उसे जाना होगा घर के बाहर। इसी के साथ इन सीनियर्स ने ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड के दौरान ही 4 कंटेस्टेंट्स को कर दिया है फेल, जो है निशांत मलकानी, रुबीना दिलैक, सारा गुरपाल और जान कुमार शानू। अब इन रिजेक्टेड सदस्यों को फैसला भी इन तूफानी सीनियर्स के हाथों है। अगर इन्होंने किया सीनियर्स को इम्प्रेस, तो बन सकते हैं ये घर का हिस्सा। अब कल हुआ था बिग बॉस का पहला दिन, जहां पहले दिन पर ही इन सीनियर्स ने कर दी कंटेस्टेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ी और पूरी कोशिश की कि शो में हो पाए ड्रामा क्रिएट। टास्क देकर कर रहे हैं ये सीनियर्स काफी कोशिश कि हो पाए इन सभी कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला, लेकिन घर के कंटेस्टेंट्स बिना ज्यादा झगड़े हो गए इस टास्क में कामयाब। ये सीनियर्स तो हो गए इसे करने में काबिल, क्योंकि निकिता अम्बोली और जास्मिन भासिन के बीच किचन के काम को लेकर हुआ घमासान युद्ध। अब इनमें से कौन होगा वो कंटेस्टेंट जो करेगा सीनियर्स को इम्प्रेस, वो तो देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। आपको बता दे, पिछले सीजन में Day 1 से ही घर के अंदर आ गए थे कंटेस्टेंट्स एक्शन मोड में और होने लगे थे काफी झगड़े। अब कौन से होंगे वो कंटेस्टेंट्स जो बनेंगे परमानेंट मेंबर्स, वो तो देखना होगा। आप किसे देखना चाहते हैं घर के अंदर होते परमानेंट, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।